हेलो फ्रेंड्स, चेतनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज मसाला डोसा और उसके लिए हमने ली है कुछ सब्जियाँ। यहाँ हमने डोसा बैटर ले लिया है, इसे हमने पहले ही ओवरनाइट सोक कर लिया था। इसमें हमने डाले हैं 2 पोर्शन चावल, 1 पोर्शन उड़द की दाल धुली हुई, 1 पोर्शन हमने डाली है चना की दाल और 1 चम्मच हमने डाला है मेथी दाना। उन दोनों को, दालों को हमने अलग सोक करा था और चावल को अलग। उसके बाद हमने सुबह इन्हें चावलों को अलग पीसा है। चावल को हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे और दालों को हमने बारीक पीसा है। उसके बाद हमने उन दोनों को मिक्स करके ये पेस्ट हमारा तैयार किया है। तो पहले हम अपने डोसे के लिए यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, हम गैस ऑन कर लेते हैं। यहाँ हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी राई के दाने, तकरीबन आधा चम्मच। इन्हें थोड़ा चटकने देते हैं। यहाँ हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। यहाँ हमने लिया 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च जिसे हमने बारीक इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। यहाँ हमने लिया थोड़ी सी पत्ता गोभी जिसे हमने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। यहाँ हमने लिया 1 से 2 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। यहाँ हमने लिया 4 से 5 फ्रेंच बीन्स जिन्हें हमने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले, हमारे यहाँ तेल, इसमें हमारी राई चटक चुकी है, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। इसे थोड़ा सा भून लेंगे, हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। हमारी प्याज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां ऐड कर लेंगे। यहाँ हम डाल रहे हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च, यहाँ हमने हरी मिर्च ली, ये हम अपनी पत्ता गोभी इसमें डाल रहे हैं और साथ में बीन्स। थोड़ा सा भून लेते हैं सबको। अब हम इसमें अपने थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने आधी चम्मच से कम ली है लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हमने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा कम हमने लिया है नमक, या आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। आधी चम्मच से थोड़ा कम हमने लिया है जीरा पाउडर। हमारी सारी सब्जियां पककर तैयार हैं। अब हम इस स्टेज पे यहाँ पर ऐड करेंगे, हमने यहाँ आलू ले लिए हैं, इन्हें हमने पहले से ही इस तरीके से मसाले में बना लिया था, अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम अपने पूरे मसाले को 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। हमारा डोसे का मसाला बनकर तैयार है, अब हम अपने डोसे तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने अपना डोसा तवा ले लिया है, अब हम इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब हम इसमें अपना बैटर फैलाएंगे डोसे का। इस तरीके से हम अपने डोसे को फैला लेंगे।
हमारा डोसा सिककर तैयार है। अब हम इस पे अपना मसाला जो हमने अभी बनाया था उसको लगा देते हैं। देखिए हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया मसाला डोसा बनकर तैयार हुआ है। हम इसी तरीके से अपने बाकी के डोसे भी सेक लेते हैं। हमारे मिक्स वेज मसाला डोसा बनकर तैयार है। आप इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।